नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम हेयरिंग बोन ट्विल व्यू बनाना सीखेंगे। हेयरिंग बोन ट्विल व्यू क्या है? ये भी एक ट्विल का डेरिवेटिव है। इसको भी क्या है, ट्विल व्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। अभी बनाने के तरीके के आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल व्यू। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले हम स्ट्रेट ट्विल व्यू बनाते हैं और इसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और सेकेंड है वर्टिकल व्यू। इसमें क्या है, स्ट्रेट ट्विल को वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं। फिर सेकेंड आता है इसके टाइप्स, बैलेंस्ड, और सेकेंड है अनबैलेंस्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो हम वार्प का अप एंड डाउन लेते हैं, तो अगर जैसे 3 अप 3 डाउन लिया, 4 अप 4 डाउन लिया, तो उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। अगर हम 3 अप 3 डाउन लेते हैं, मतलब जितना आप लेते हैं उतना ही डाउन करते हैं, तो उसको हम बैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल व्यू बोलेंगे। और अगर 4 अप 2 डाउन, 5 अप 3 डाउन या 6 अप 2 डाउन ऐसा करके लेते हैं, मतलब अप एंड डाउन जो है सेम नहीं रहते हैं, तो उसको हम अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल व्यू बोलेंगे। इसी तरह से वर्टिकल व्यू का भी है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ट्विल व्यू। अब इसका एरिया क्या करेंगे, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्सपेंड करेंगे, इसलिए हम नंबर ऑफ एंड जो है नंबर ऑफ पिक्स के कंपैरिजन में डबल लेंगे। और ये वर्टिकल व्यू, इसका एरिया क्या है, क्योंकि हम वर्टिकली इसको एक्सपेंड करेंगे, इसलिए जो नंबर ऑफ पिक्स रहेंगे वो हम नंबर ऑफ एंड्स के कंपैरिजन में डबल लेंगे। तो अभी हम व्यू बना करके देखते हैं। हेयरिंग बोन ट्विल व्यू हॉरिजॉन्टल। तो आज की वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल व्यू बनाना सीखेंगे और वर्टिकल व्यू नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एरिया लिया हुआ है 12x6 का। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो हम जो है नंबर ऑफ एंड्स नंबर ऑफ पिक्स के कंपेरिजन में डबल लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे अप एंड डाउन 3x3 लिया है, क्योंकि हम बैलेंस व्यू बना रहे हैं, तो जितना आप लेंगे उतना ही डाउन लेंगे। अगर हम यहाँ पे अनबैलेंस बनाते तो अप एंड डाउन जो है अलग अलग लेते। तो ये हो गया हमारा एरिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट ट्विल व्यू बनाएंगे। तो स्ट्रेट ट्विल व्यू में क्या है, नीचे से ऊपर की ओर एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर उसके ऊपर हम अप एंड डाउन ले लेते हैं। तो बनाते हैं, ये हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब हमें 3 अप 3 डाउन शो करना है, तो 3 अप 3 डाउन शो करते हैं। अगर आपने स्ट्रेट ट्विल की वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। वहाँ जा करके आप स्ट्रेट ट्विल व्यू कैसे बनाते हैं वो समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्ट्रेट ट्विल व्यू बना लिया है। ये हमने 6x6 एरिया में स्ट्रेट ट्विल व्यू बना लिया है। अब बाकी के 6x6 एरिया में क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ पे अप है वहाँ वहाँ पे हम इस एरिया में डाउन दिखाएंगे, और जहाँ जहाँ पे डाउन है वहाँ वहाँ पे हम अप दिखाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा, मिरर के डायरेक्शन में करेंगे, क्योंकि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा राइट हैंड जो होता है सामने लेफ्ट में दिखता है, और लेफ्ट हैंड जो है राइट में दिखता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम फर्स्ट वार्प पे जितना डाउन है वो हम लास्ट वार्प पे अब दिखाएंगे, सेकेंड वाला जो है सेकेंड लास्ट में दिखाएंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप भरते जाएंगे। तो चलिए भर के देखते हैं। तो फर्स्ट वार्प में ये 3 जो है डाउन है, तो यहाँ पे हम अप करेंगे। अब सेकेंड वार्प पे 2 यहाँ डाउन है, 1 यहाँ पे, ये हो गया। थर्ड वार्प पे ये डाउन है, ये डाउन है। फोर्थ वार्प पे नीचे के 3 डाउन है, ये हो गया। फिफ्थ पे और सिक्स पे ये हो गया, ये। तो हमारी व्यू रेडी हो गई। इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने स्ट्रेट ट्विल व्यू बना लिया है, और इसमें हमने 3 अप 3 डाउन शो किया हुआ है। बाकी के एरिया में क्या किया हमने, जहाँ जहाँ पे ये डाउन है वहाँ वहाँ पे हमने अप दिखा दिया है।
ये हमारी वीव रेडी हो गई है। अब क्योंकि हमने स्ट्रेट 12 वीव का यूज़ किया था तो यहाँ पे हम स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाएंगे। तो स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाते हैं पहले। ये हो गया, हमने हाफ एरिया में स्ट्रेट 12 वीव बनाई हुई थी तो यहाँ हाफ एरिया में हमने स्ट्रेट ड्राफ्ट बना दिया है। अब बाकी के एरिया जो है इसमें देखेंगे कि कौन से वार्प की वर्किंग इधर से मैच कर रही है, वही हील यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये हमारा सेवेंथ वार्प जो है वो हमारे थर्ड वार्प की वर्किंग से मैच कर रहा है तो हम यहाँ पे थर्ड वाली हील यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एट्थ वाले वार्प की वर्किंग जो है सेकेंड वाले से मैच कर रही है तो यहाँ पर हम सेकेंड वाली हील यूज करेंगे। और नाइन्थ वाला वार्प जो है उसकी वर्किंग हमारे फर्स्ट वाले वार्प से मैच कर रही है तो हम फर्स्ट हील यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा जो टेंथ वाला वार्प है उसकी वर्किंग जो है सिक्स्थ वाले से मैच कर रही है तो हम सिक्स्थ वाली हील यूज करेंगे। और ये जो हमारा इलेवेंथ वाला वार्प की वर्किंग है वो हमारे फिफ्थ वाले वार्प से मैच कर रही है तो हम फिफ्थ वाली हील यूज करेंगे। और ये ट्वेल्थ वाले वार्प की वर्किंग किससे मैच कर रही है, फोर्थ वाले वार्प से, तो फोर्थ वाली हील हम यूज करेंगे। तो ये अब ये क्या हुआ, हमारी व्यू बन गई है, ड्राफ्ट बन गया है। अब आते हैं पिक प्लान पे। डायमंड में हमने क्या किया था, ड्राफ्ट और पिक प्लान की मदद से व्यू बनाई थी। बाकी की व्यूज में हमने क्या किया था, व्यू और ड्राफ्ट की हेल्प से पिक प्लान भरा था। तो यहाँ भी हम व्यू और ड्राफ्ट की हेल्प से पिक प्लान भरेंगे। तो फर्स्ट वार्प की जो वर्किंग है तो फर्स्ट वाले हील्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में दिखाएंगे। ये हो गया। अब इसी तरह से सेकेंड वाले वार्प की वर्किंग सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से सेकेंड वाले कॉलम में दिखाएंगे। थर्ड वाले वार्प की वर्किंग थर्ड वाली हील्ड की हेल्प से पिक प्लान के थर्ड वाले कॉलम में दिखाएंगे। फोर्थ वाले वार्प की वर्किंग हील्ड फोर्थ हील्ड की हेल्प से पिक प्लान के फोर्थ कॉलम में दिखाएंगे। फिफ्थ वाले वार्प की वर्किंग फिफ्थ हील्ड की हेल्प से पिक प्लान के फिफ्थ वाले कॉलम में दिखाएंगे। और इसी तरह से सिक्स वाले वार्प की वर्किंग सिक्स हील्ड की हेल्प से सिक्स वाले कॉलम में दिखाएंगे। अभी क्या बचा, डेंटिंग ऑर्डर। डेंटिंग ऑर्डर तो एजिटिक जैसा कि अभी तक के सभी व्यूज में बनाया है। तो हेयरिंग बोन 12 व्यू रेडी हो गई है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया डिसाइड किया 12x6 का। अभी हमें 3 अप 3 डाउन लेना है तो हमने क्या किया, इसका हाफ एरिया 6x6 में हमने स्ट्रेट 12 व्यू बना लिया। फिर क्या किया हमने, मिरर डायरेक्शन में जहाँ जहाँ पे डाउन था वहाँ वहाँ पे अप दिखा दिया और जहाँ जहाँ पे अप था वहाँ डाउन दिखा दिया। फिर उसके बाद ड्राफ्ट बनाया हमने, कौन सा, स्ट्रेट ड्राफ्ट। फिर उसके बाद लिफ्टिंग प्लान, लिफ्टिंग प्लान बोले या पिक प्लान। तो चलिए अभी एक बड़े एरिया में देखते हैं। यहाँ पे हमने 20x10 का एरिया लिया हुआ है। रूल देखिए वही है, नंबर ऑफ एंड्स जो है नंबर ऑफ पिक से डबल हैं। तो यहाँ पे हम 5 अप 5 डाउन ले रहे हैं तो सबसे पहले वही करेंगे, 10x10 के एरिया में एक स्ट्रेट 12 व्यू बनाएंगे। फिर वहाँ पे 5 अप 5 डाउन दिखाएंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ पे डाउन होगा वहाँ वहाँ पे हम बाकी के एरिया में अप दिखाएंगे और जहाँ जहाँ पे अप होगा वहाँ वहाँ डाउन दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, राइट हैंड 12 व्यू बनाया था, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड 12 व्यू ले रहे हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे 5 अप 5 डाउन दिखाएंगे। ये हो गया। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हमने जल्दी जल्दी कर लिया है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड 12 व्यू बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे, बाकी के एरिया में जहाँ जहाँ पे अप है वहाँ वहाँ डाउन दिखाएंगे और जहाँ जहाँ पे डाउन है वहाँ वहाँ पे अप दिखाएंगे। यहाँ पे अप है तो यहाँ पे हमने डाउन दिखाया, फिर यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे हमने अप दिखा दिया, फिर यहाँ पे अप है तो यहाँ हमने डाउन दिखा दिया। अब सेकेंड वाले में
यहाँ पे अप है तो यहाँ हम डाउन दिखाएंगे, और यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे हम अप दिखाएंगे, फिर यहाँ पे अप है तो यहाँ डाउन दिखाएंगे। इसी तरह से भर लेते हैं। ये देखिए, ये इतना एरिया में यहाँ पे डाउन है तो यहाँ पे हमने अप दिखा दिया है, और ये एरिया में अप है तो यहाँ पे हमने डाउन दिखाया हुआ है, फिर यहाँ पे डाउन है तो यहाँ हमने अप दिखा दिया है। तो इसी तरह से आप और भी व्यूज बना करके प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी व्यू रेडी हो गई है, अब हम ड्राफ्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड टूल भी बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्राफ्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यू की डायरेक्शन चेंज है तो ड्राफ्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर देते ड्राफ्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं। तो हम ड्राफ्ट की डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, ड्राफ्ट की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी जैसा कि राइट हैंड टूल में रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रेट ड्राफ्ट तो बना दिया है, बाकी के एरिया में ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे? ये एरिया में जिस वार्प से वर्किंग मैच कर रही होगी वही वाली हील हम यूज कर लेंगे। तो देखते हैं ये 11th वाले वार्प की वर्किंग जो है ये हमारे ये वाले वार्प से मैच कर रही है, तो यही वाली हील हम यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद ये वाले वार्प की वर्किंग जो है किससे मैच करें, ये वाले वार्प से, तो ये वाली हील यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये वाला वार्प जो है इसकी वर्किंग इससे मैच कर रही है तो ये वाली हील यूज करें। फिर ये वाले वार्प की वर्किंग जो है सेकेंड वाले वार्प से मैच कर रही है तो ये हील यूज करेंगे। फिर ये वाले वार्प की वर्किंग फर्स्ट वाले वार्प से मैच कर रही है तो फर्स्ट वाली हील यूज करेंगे। फिर अब ये वाले वार्प की वर्किंग किससे मैच कर रही है, ये वाले से मैच कर रही है, 10th वाले से। तो हम 10th वाली हील्ड यूज करेंगे। ये अब ये वाले वार्प की वर्किंग किससे मैच कर रही है, ये वाले से मैच कर रही है तो ये यूज करेंगे। फिर इस ये वाले वार्प की वर्किंग जो है ये वाले से मैच कर रही है, तो इसी तरह से देख करके भर देंगे। फिर अब आता है पैक प्लान। पैक प्लान जो वीव और ड्राफ्ट की हेल्प से फिल कर देंगे। फर्स्ट वाले हील्ड की वर्किंग जो है फर्स्ट वाले हील्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले कॉलम में भर देंगे। सेकेंड वाले हील्ड की वर्किंग जो है सेकेंड वाले हील्ड की हेल्प से पैक प्लान के सेकेंड वाले कॉलम में भर देंगे। इसी तरह से पूरा पैक प्लान हम रेडी कर लेंगे, और डेंटिंग ऑर्डर जैसा कि लास्ट व्यू में हमने बनाया उसी तरह से बनाएंगे। तो ये हेरिंग बोन ट्विल व्यू की हॉरिजेंटल की बैलेंस व्यू बनाना आप सीख गए हैं। इंच वाले ग्राफ पैड पे आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।